हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिजाइन ऑफ कॉलम्स पढ़ने वाले हैं जो कि पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर पेपर 2022 का रेफर कर रहे हैं जो कि रिसेंट पेपर आपका। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का ए आपको देखना है। क्या लिखा है? डिजाइन अ स्क्वेयर कॉलम टू कैरी एन एक्सियल लोड ऑफ 1500 किलो न्यूटन। ध्यान रखना यहाँ पे सिर्फ बोला है एक्सियल लोड, मतलब ये वर्किंग लोड है, इसको मेरे को फैक्टर्ड लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। द अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम इज 3.5 मीटर। यूज M20 कॉन्क्रीट एंड 1% Fe 500 का स्टील बोला है फॉर लॉन्गिट्यूडनल रीइन्फोर्समेंट। यूज माइल्ड स्टील बार फॉर लैटरल टाइज। अप्लाई द चेक फॉर मिनिमम एसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है एंड देन आपको सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करेंगे। डेटा, आपको एक कॉलम डिजाइन करना है। अभी कॉलम का आपको शेप नहीं दिया ना, ध्यान देना। कॉलम का हाँ लिखा है, डिजाइन स्क्वायर कॉलम टू कैरी एन एक्सेल लोड। एक्सेल लोड मतलब पी दिया है, सिर्फ सिंपल एक्सेल लोड बोला मतलब वो सेफ लोड है या फिर वर्किंग लोड है या फिर सर्विस लोड है। ठीक है, उसको अपन सेफ या फिर सर्विस लोड बोल सकते हैं। तो ये पी दिया है आपको 1500 किलो न्यूटन का। आप इसको पी यू मतलब फैक्टर्ड या फिर अल्टीमेट लोड में कन्वर्ट कर लो। अल्टीमेट लोड में कन्वर्ट कर लो तो पी यू मिल जाएगा, वो आएगा 1500 × 1.5। तो 1500 का अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है 2250 किलो न्यूटन। ठीक है, ये आ गया। अनसपोर्टेड लेंथ है 3.5 मीटर का, तो एल दिया है 3.5 मीटर मतलब 3500 मिलीमीटर दिया है। यूज M20 कंक्रीट, तो FCK बोला है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर का एंड 1% Fe 500। ध्यान से पढ़ना, Fy दिया है 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर का एंड उसने बोला है 1% स्टील आपको लेना है। You have to consider 1% steel. Use mild steel bar for lateral ties. Apply the check for minimum eccentricity. आपको minimum eccentricity का check perform करना है। एक चीज याद रखना, अगर question में length नहीं दिया रहेगा ना तो eccentricity का check perform नहीं करना। ठीक है, चलो अब आ जाओ step number 1 पे। सबसे पहला step है size of column. हम लोग पहले column का size निकाल लेंगे। हमारा स्क्वायर कॉलम है तो अपने को इसका बी निकालना है, यहाँ से बी निकालना है। तो स्क्वायर कॉलम का डायमेंशन बी इंटू बी होता है ना, तो अपने को बी निकालना है। तो मेन इक्वेशन क्या थी हमारी? अच्छा, उसने क्या बोला है? टेक 1% स्टील बोला ना, उसने बोला टेक 1% स्टील। तो 99% क्या रहेगा? कॉन्क्रीट रहेगा। अगर उसने ऐसी बात नहीं की है कि 1% स्टील लो या नहीं लो, तो आप अज्यूम कर सकते हो कि 1% स्टील है और 99% कंक्रीट है। यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि वो बोले टेक 1.5% स्टील, तो फिर कंक्रीट कितना होगा? कंक्रीट होगा ऑटोमेटिकली 100 में से आप 1.5 सब्ट्रैक्ट कर देना, वो आएगा 98.5% कंक्रीट। तो उस टाइम पे कंफ्यूज मत हो जाना। अगर 1.5% स्टील दिया है तो 100 में से 1.5 को सब्ट्रैक्ट करना, 98.5% कंक्रीट बोल देना। ठीक है, चलो ये मैं बता देता हूँ। तो अभी मेरे केस में उसने 1% स्टील बोला। अब PU का फॉर्मूला क्या था अपना? 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY AC। ये क्वेश्चन इक्वली बी स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सेम क्वेश्चन बी वाले को आता है। तो अपना PU कितना है? PU है 2250 10^3, 0.4 FCK है 20 का AC। अब ध्यान देना, मैं यहाँ पे एक चीज करना भूल गया, मैं यहाँ पे नीचे कर रहा हूँ। ASC और AC आपको बोला है 1% स्टील है, तो ASC क्या होगा? 1% ऑफ ग्रॉस एरिया। कॉलम की जो पूरी एरिया है उसका 1% है आपका स्टील। तो ASC को लिखूंगा मैं 1/100 A ग्रॉस, तो ये मिल गया ASC। ये हो जाएगा 0.01
ई ग्रॉस, दिस इज ए एस सी। फिर मैं निकालूंगा ए सी, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ कॉन्क्रीट। ए एस सी का मतलब होता है एरिया ऑफ स्टील, ए सी का मतलब होता है एरिया ऑफ कॉन्क्रीट। वो है 99%, मतलब 99/100 किसका, ग्रॉस का, तो ये देगा 0.99 ए ग्रॉस। ठीक है, चलो इसको यहाँ पुट कर लो, ए सी के बदले 0.99 ए ग्रॉस प्लस 0.67 एफ वाई है 500, ए एस सी है 0.01 ए ग्रॉस। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 2250 इंटू 10^3 अपॉन में क्या करना, ए ग्रॉस तो राइट साइड में कॉमन है तो मैं नीचे में ला लूंगा 0.4 20.99 प्लस 0.67 500 इंटू 0.01, ये मेरा ए ग्रॉस आता है निकल के, ग्रॉस एरिया 1,99,645.07 mm². ये क्या मेरा ग्रॉस एरिया। अब मेरा ग्रॉस एरिया क्या होता है स्क्वायर का, होता है बी इंटू बी। ध्यान देना ए ग्रॉस का मतलब है ग्रॉस एरिया, मतलब कॉलम की टोटल एरिया, तो स्क्वायर कॉलम है तो उसकी टोटल एरिया क्या बनने वाली है, वो बनने वाली है बी इंटू बी। ठीक है, तो ए ग्रॉस है 1,99,645.07 बराबर बी का स्क्वायर, तो बी आएगा अंडर रूट ऑफ 1,99,645.07। तो अब इसका अंडर रूट ले लो, ये आता है 446.81 mm। ठीक है, अब इसको राउंड अप करने की बारी है, आप चाहो तो उसको 450 पे भी राउंड अप कर सकते हो, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा हाईर सेट करो। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि एसेंट्रिसिटी का चेक फेल हो रहा है कि पास हो रहा है। प्लस बी अगर मैं 450 लेता हूँ, बी बाय 30, यस इट विल बी ओके। तो आप एक काम करो, इसको बी को आप 450 पे राउंड अप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो बी विल बी 450 mm। ठीक है, मैं ये सोच रहा था कि अगर बी को मैं 500 पे भी राउंड अप करूं तो भी चलता है क्या, तो बी को 500 पे राउंड अप किया तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। डिजाइनिंग के टाइम पे ये आपके ऊपर है कि आप क्या राउंड अप करते हो, बस कॉलम फेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्टेप नंबर टू, तो अपने कॉलम का साइज ऑफ कॉलम क्या आ गया, कॉलम का साइज है 450 × 450 mm का। ठीक है, अब आ जाओ स्टेप नंबर टू पे, चेक फॉर एसेंट्रिसिटी। ई मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है, एल अपॉन 500, एल मतलब होता है अनसपोर्टेड लेंथ, प्लस लैटरल डायमेंशन है बी बाय 30। एल है 3500, 500, बी है आपका 450 का अपॉन 30, तो यहां से आपका ई मिनिमम निकल जाएगा, तो ये मेरा आंसर आ रहा है 22, दिस इज 22 mm। और क्या था, दूसरा क्राइटेरिया था 20 mm का, और है 20 mm। आपको चूज करना है दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू, तो वी विल चूज मैक्सिमम वैल्यू। तो आपका ई मिनिमम कितना आ रहा, वो आ रहा 20 mm का। ठीक है, सॉरी 22 आएगा, एक मिनट, दिस विल 22, दोनों में से मैक्सिमम चूज करना आपको, तो 22 मैक्सिमम। अब इसका चेक क्या है, इसका चेक है कि आपको इसको चेक करना है 0.05 टाइम्स लैटरल डायमेंशन के साथ, मतलब मिनिमम एसेंट्रिसिटी की वैल्यू इससे कम आने को ना, अगर कम नहीं आई तो आपके कॉलम को साइज को बढ़ाना पड़ेगा। तो 0.05 लैटरल डायमेंशन है बी, तो कॉलम का साइज है 450 का, यह आ जाएगा 22.5, यह आ रहा 22.5 mm। तो ई मिनिमम की वैल्यू 0.05 बी से छोटी आ रही है, इट इज लेस देन 0.05 बी, इट इज सेफ और इट इज ओके।
मतलब मैंने जो कॉलम का साइज निकाला है 450 बाय 450 का, वो एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। तो ई मिनिमम की वैल्यू 0.05b से छोटी आने को ना, ये कंपलसरी आपका चेक है। अब स्टेप नंबर 3 इजी है, डिजाइन ऑफ डिजाइन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील ASC। अब एरिया ऑफ स्टील कैसे निकालेंगे, आपने यहाँ पे क्या निकाला था ASC का वैल्यू, वो निकाला था 0.01 ए ग्रॉस, तो ये आएगा 0.01 ए ग्रॉस। तो 0.01 ग्रॉस एरिया कितना आपका बी इंटू बी लेना है, पर ग्रॉस एरिया को यहाँ पे बी इंटू बी लेना है, और बी का साइज कितना आपका 450 बाय 450 का, यहां से आपका ASC मिल जाएगा आपको। यहां का 2025 mm square, दिस विल बी 2025 mm square। आप अज्यूम करना नंबर ऑफ बार्स n इज नंबर ऑफ बार्स, वो रहेगा 8, तो ASC क्या है n इंटू पाई बाय 4 पाई का स्क्वायर, तो 2025 इक्वल टू 8 पाई बाय 4 पाई का स्क्वायर, ठीक है। एन की वैल्यू आपको 8 लेनी है, पाई बाय 4 पाई का स्क्वायर, यहां से फाई निकालना है, इसको वर्कआउट करेंगे आप। इसका रूट लूंगा मैं, ये मेरा वैल्यू आ रहा है 17.95 mm का, ठीक है। मेरा डायमीटर कितना रहा है 17.94 है, याद रखना इसको मैं 18 पे राउंड अप नहीं करूंगा क्योंकि 18 का बार मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको 20 पे राउंड अप कर लेता हूं। तो टेक बार डायमीटर, बार का डायमीटर कितना ले लेंगे अपन, वो अपन 20 mm ले लेंगे, ठीक है। तो वी हैव प्रोवाइडेड 8 बार्स ऑफ 20 mm डायमीटर, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनली, मतलब कॉलम वर्टिकल है ना, तो वर्टिकली हमने बार्स प्रोवाइड करते किया है, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टील। अब एक आखिरी स्टेप बचा आपका, इसको बोलते हैं डिजाइन ऑफ लैटरल टाई, लैटरल टाई, ठीक है। तो उसका क्लॉज क्या था, पहला था डायमीटर का, कि अपने को डायमीटर ऑफ लिंक्स निकालनी है। लिंक्स क्या होता है ना, लिंक्स वर्टिकल बार्स को पकड़ने में काम आती है, तो पहले निकालेंगे डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ लिंक वो होता है 1/4 ऑफ लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार, तो 1/4 ऑफ द लार्जेस्ट बार का साइज कितना है, वो है 20 का, तो ये हो जाएगा 5 mm का। तो लिंक का डायमीटर कितना है, वो है 5 का, और कोड ने एक और दिया, लिंक का डायमीटर कितना होता है 6 mm का होता है। कोड बोलता है कि एक फॉर्मूला ये यूज करो, 1/4 ऑफ द लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार और 6 mm, आपको दोनों में से चूज करना है मैक्सिमम, चूज मैक्सिमम वैल्यू। तो लिंक का डायमीटर कितना लेंगे हम लोग, 6 mm ले लेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया, अब आखिरी में निकालेंगे पिच ऑफ द लिंक, पिच ऑफ द लिंक, लिंक का पिच कैसे निकालेंगे, पिच मतलब होती है स्पेसिंग। तो पहला क्लॉज था इसका लीस्ट लैटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम, मतलब कॉलम का छोटा वाला डायमेंशन, वो है कितना, बी का साइज कितना है मेरा कॉलम का 450, तो यहां ले लो आप 450, बी आएगा 450 mm, तो ये पहला क्लॉथ आ गया। दूसरा था 16 टाइम्स स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार, मतलब 16 को आप स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार से मल्टीप्लाई करो, अपना स्मॉलेस्ट बार कुछ नहीं है, अपना सिर्फ 20 का ही बार है, तो आप 20 से मल्टीप्लाई करो उसको,
ये आ जाएगा 320, और तीसरा था 300 मिलीमीटर, थर्ड वन इज 300 मिलीमीटर। आपको चूज करना है मिनिमम, चूज मिनिमम ऑफ अबव। तो पिच सबसे छोटा वाला वैल्यू कौन सा, सबसे छोटा वैल्यू है आपका कितना 300 का, तो ये ले लेंगे आप 300 mm। ठीक है, तो यहां पे आपका डिजाइन पूरा खत्म हो गया। एंड में आपको इसका डायग्राम ड्रॉ करना है, तो आपको एक कॉलम शो करना है ऐसा, ये कॉलम का क्रॉस सेक्शन है, फोर फिफ्टी बाय 450 का। ठीक है, नंबर ऑफ बार्स कितने हैं आपके, नंबर ऑफ बार्स है 8, ऐसे 8 बार्स है आपके। और इसके पेरीफेरी में आपको ऐसे लिंक बांधनी है, ठीक है, इसको लिंक को आपको ऐसा बांधना है। उसके बाद आपको इसको अंदर से भी ऐसा टाई कर सकते हो आप इसको, ठीक है, तो ये आपके 8 बार्स थे जो मैंने व्हाइट से मार्क किया ना, ये आपके 8 बार्स है। तो 8 बार्स जो कि है 20 mm डायमीटर के, और ये लिंक्स है आपकी, दीज आर 2 टाई क्लोज्ड लिंक, इसका डायमीटर है 6 mm का, ये है माइल स्टील MS 6 mm डायमीटर, उसका स्पेसिंग कितना आया, वो आया 300 mm सेंटर टू सेंटर। तो इस तरीके से आपको इसका रीइन्फोर्समेंट डिटेलिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मार्क्स होते हैं तो इसको मिस नहीं करना, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया कॉलम का डिज़ाइन कैसे करते हैं, बस इतना याद रखना जब लोड निकालते हैं ना, लोड निकालते वक्त एक्सियल लोड दिया था मतलब वो सेफ सर्विस लोड है, उसको फैक्टर में करना कंपलसरी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, थैंक यू सो मच।